कमजोर जरूर हैं, लेकिन कई शेयर हैं जिनका पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा पिछले कुछ सालों से जो तेजी चालू हुई है वो थमी नहीं रही भाव रोज बढ़ते हैं और निवेशक नया पैसा डालने से डरते हैं नमस्कार मैं हूं आशीष वर्मा स्वागत है आपका हमारा एक खास शो शिखर पर शेयर कहा होगी कमाई में इस खास शो में हम आपकी मुश्किल करेंगे आसान जो शेयर नई ऊंचाई पर है उनमें क्या रणनीति बनाए इस पर होगी पड़ताल आपको याद होगा दो हफ्ते पहले हमने चर्चा की थी तगड़ी पिटाई झेल रहे शेरों की अपने शो हॉट समर सेल में और आज हम उसके एकदम उलट चर्चा करने वाले हैं उन शेरों की जो जबरदस्त तेजी में है रोज नए हाइस जर रहे हैं और अपनी ही बोल मार्केट्स में मस्त है वो तमाम स्टॉक्स जिनकी अगले आधे घंटे में चर्चा होगी वो आपको आगे आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल कहता है जिन अच्छे शेयरों की सेंटीमेंट बिगड़ने के चलते पिटाई हुई है वहां निवेश के मौके ढूंढने चाहिए वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स मानते हैं जहां स्ट्रेंथ है वहां फोकस करें कहा जाता है सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार चलिए इन स्टॉक्स पर कॉल देने के लिए हमारी मदद करेंगे आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और विकास सेठी आप दोनों का ही स्वागत है सीन सर सुदीप जी आ, ऐसा है क्या क्योंकि आमतौर पर हम लोग मानते हैं जहां पे पिटाई हुई है जो स्टॉक्स पिटे हुए हैं उनमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए क्या वाकई ऐसे स्टॉक्स पर भी फोकस करना चाहिए जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है जो बाजार की चाल के विपरीत लगातार पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं क्या इनको भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना बनता है देखिए आशीष हम लोग ये मानते हैं कि आपको शेयर पे ध्यान देना पड़ेगा कुछ कारण होते हैं जिसके लिए मार्केट में शेयर्स की पिटाई होते हैं मे बी सेक्टर का पिटाई हो रहा है मे बी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो रहा है इसीलिए पिटाई हो रहा है या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ शंका है इसीलिए पिटाई हो रहा है तो फोकस हम लोगों का यही रहता है ये पिटाई या नई ऊँचाई इसको हम लोग थोड़ा कुछ 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 एनालिसिस के लिए इग्नोर करते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स के कंपनी के फ्यूचर पे और कंपनी के पोटेंशियल में फोकस करते हैं अगर आप ऐसे करोगे तो आ, सामने ये साफ होता है कि कौन सी कंपनी आने वाले दिनों में भी अच्छे यू नो अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे और किस कंपनी का डेवलपमेंट अच्छे दिनों में भी अच्छा होने वाला है परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाला है तो उसी पर हम लोग फोकस करते हैं हाँ वैल्यूएशन जरूर इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई अच्छा शेयर अगर कम दाम में मिल रहा है अगर उसका पिटाई हुआ है तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा शेयर अगर खरीदारी रिकमेंड करते हैं ठीक बात तो कंपनी के फंडामेंटल्स उनके फ्यूचर उनके पे खास तौर पे आपको फोकस करना चाहिए और फिर बेहतरीन स्टॉक्स पे आपको दाव लगाना चाहिए आज का आइडिया है शिखर पर शेयर यानी कि वो स्टॉक जो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं लगातार नई ऊंचाइयों पे आपको छूते हुए नजर आएंगे और इसलिए आपकी स्क्रीन पे एक पहाड़ है और पहाड़ को क्लाइम करते हुए नजर आ रहे हैं तो पहली कड़ी में जो स्टॉक्स है, हैं, वो है दो एफ दिग्गज एक तो है एच और एच आपको याद होगा बहुत लंबे अरसे तक एक फंसा हुआ था एक रेंज में उसके बाद finally, हुआ क्या हुआ क्या वो दुगना होता हुआ, नजर आया था का स्टॉक स्टॉक उसके बाद बाद और अब ये ये होने की प्रक्रिया के लगातार कर रहा है आपकी स्क्रीन पे स्टॉक की चाल और दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है नेस्ले इंडिया और इसके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग समय था जब आपको याद होगा मैगी की कंट्रोवर्सी सामने आई थी लोगों ने लिटरली राइट ऑफ कर दिया था इस स्टॉक को तब ये स्टॉक पांच हजार के नीचे उस मैगी कंट्रोवर्सी के समय स्लिप होता हुआ नजर आया था और उस कंट्रोवर्सी के बाद देखिए किस तरह का उछाल किस तरह की छलांग इस एमएनसी कंपनी के स्टॉक ने डिलीवर करी है विकास सेठी साहब ये दोनों स्टॉक्स जो अपने नए शिखर अपनी नई चाल चल रहे हैं तेजी में है इनपे क्या कॉल बनता है सर Uh, बिल्कुल आशीष दोनों ही स्टॉक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एमएनसी स्टॉक्स हैं जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और हालांकि दोनों स्टॉक्स अपने उच्चतम लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं बट मुझे अभी भी लगता है अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पर भी खरीदना चाहिए और कोई कारण से बाजार में कोई गिरावट आती है तो फिर और एवरेज करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में घबराने की कोई बात नहीं है जहां तक एचुएल का सवाल आपने ठीक बताया कई सालों तक चला नहीं फिर जब पिछले दो तीन सालों में एक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और यहां से मुझे लगता है जिस तरह से भारत में एक कंजम्पशन स्टोरी बिल्डअप हो रही है लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है इकोनॉमी में जो ग्रोथ देखी जा रही है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इन कंजम्पशन स्टॉक्स को होगा तो बहुत एचुएल एंड नेस्ले प्रोडक्ट्स दोनों के बहुत अच्छे हैं खरीदारी करनी चाहिए और बीस परसेंट तो का उछाल स्टॉक डिलीवर कर सकते हैं होल्ड करें और अगर मेरे को लगता है अगर पंद्रह से बीस परसेंट उछाल की बात करें तो किसी भी डिप्स में फिर इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की भी आपको मौके ढूंढने चाहिए कंजम्पन थीम है और इस प्ले पे आप अभी भी बेट कर सकते हैं अगला स्टॉक एक बैंकिंग स्टॉक है और इस स्टॉक में भी आपको लगातार स्ट्रेंथ नजर आएगी वो है इंडस बैंक का फाइनेंशियल के बारे में तो आप सीवास पे हर क्वार्टर सुनते हैं इस बैंक के बारे में हमेशा हम कहते हैं रोबस्ट ग्रोथ हो रही है एडवांसेस में बेहद स्टेबल एनआईएम सेल्स सीवी, सेल, सीवी पोर्टफोलियो तो नॉन सीवी पोर्टफोलियो से भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में ये जो चाल आपकी स्क्रीन पर है हजार का स्टॉक 2016 अप्रैल का आज वो ऑलमोस्ट दोगुना होकर खड़ा हुआ है अपने उच्चतम स्तरों के आसपास तो इसमें सुदीप बंदोपाध्याय साहब इंडस बैंक पे क्या कॉल होगा ये जो आप लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है अब मेरी रणनीति क्या हो जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेहतरीन प्रदर्शन इस बैंक ने दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है और सारे रेशियोज़ कंटिन्यूसली इंप्रूव होते गए जहाँ की बहुत सारे बैंक एन का सिलसिला चलता रहा और बैंकों के एसेट क्वालिटी ख़राब होता गया उसी हाल में इंद सिंध बैंक का प्रदर्शन बिल्कुल आ, आ, अच्छा रहा है एसेट क्वालिटी में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है पर इसमें दो बात मैं बताना चाहूँगा एक तो आ, जो टॉप मैनेजमेंट है सोप्ती साहब रिटायर करने वाले हैं और इसके बाद जो मैनेजमेंट नया सीएमडी बनेंगे उस पर थोड़ा अनिश्चयता है तो थोड़ा उस, उस वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है दूसरी बात यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आ, बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी एसकेस को इनके साथ मिला रहे हैं वो प्रक्रिया चल रहा है उसके बाद थोड़ा देखना होगा एसेट क्वालिटी और बाकी सारे पैरामीटर्स कैसा रहता है तो दीज टू आर द पॉइंट्स विच वी विल वॉच फॉर द इवेंट्स टू हैपन और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा वैल्यूएशन पे है जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा रिटर्न इस वैल्यूएशन से मिलना मुश्किल है तो निवेशक जिनके पास ये शेयर है वहाँ पे हम रेकमेंड कर रहे हैं कि वो होल्ड करें क्योंकि अच्छा बैंक है प्रदर्शन अच्छा आने वाले दिनों में भी रहेगा और एक अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा पर अगर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बैंक को इस लेवल से तो शायद वो नहीं मिलेगा करें थोड़े से कंसर्न जो सुदीप सर ने हाईलाइट करे अच्छा विकास जी सुदीप जी आप लोग से रिक्वेस्ट मैं चाहता हूं ये कई सारे शिखर वाले स्टॉक्स पर हम बातचीत कर लें तो थोड़ा सा आंसर्स को हम शॉर्ट रखेंगे अच्छा अगली कड़ी में फिर से दो स्टॉक जोड़ लेता हूँ विकास सर एक तो अशोक लेलैंड पंद्रह रुपए का स्टॉक पिट के गया था और आज डेढ़ सौ के लेवल्स पे खड़ा हुआ इस तरह की मजबूती और एम एन एम एक लेगार्ड था इस सेक्टर का जब ऑटो स्टॉक्स में रिलेटिंग हो रही थी और अब देखिए किस तरह की चाल किस तरह का मोमेंटम ये दिखा रहा है इन दोनों पे कॉल सर आ, बिल्कुल आशीष दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जहां तक अशोक लेन का सवाल है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को नजर आ रहा है और खास करके इनके जो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे मंथ ऑन मंथ नंबर्स भी आए हैं फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है और दूसरा एम एंड एम भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और ये जिस तरह से सरकार का फोकस है रूरल इकॉनॉमी पे तो इनका काफ़ी चंक एक रूरल इकॉनॉमी पे डिपेंडेंट है प्लस इस बार मानसून भी अच्छे होने की बात है तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा तो ऑल इन ऑल दोनों स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं और करंट लेवल्स पे यहां पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी यहाँ पे भी यहां इन लेवल से भी अच्छे अपसाइड आने वाले एक साल में देखे जा सकते हैं तो नए शिखर पे हैं लेकिन यहां से भी अच्छा मोमेंट हम एक्सपेक्टेड है दोनों ही स्टॉक्स अशोक इलेट और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों में खरीदारी करने के मौके डूटे सुदीप सर आपके लिए भी दो स्टॉक्स और दोनों थोड़ी सी सिमिलर थीम्स होंगी स्टोर एडिशन का गेम एक तो एवेन्यू सुपर आईपीओ आया जिस भाव पे था वो आप भाव आपकी स्क्रीन पर आएंगे और उसके बाद तो स्टॉक ने पलट के नहीं देखा तमाम लोग गाते रहे रोते रहे वैल्युएशन को लेकर लेकिन इस स्टॉक ने उसके बाद भी देखिए किस तरह का मोमेंटम दिखाया और अभी भी ब्रोकरेजेस मुझे बुलिश साउंड करती है स्टॉक को लेकर और दूसरा है जुबिलेंट फूड वर्क रिसेंट लोज बने थे जब आपको याद होगा कीड़े मकोड़ों का कुछ इश्यू आया था उस दिन पिटा था उसके अगले दिन से जो चाल शुरू करी स्टॉक ने और वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मैनेजमेंट जब बदला तो वो एक ठंडा पड़ा तो एसएसएस में ग्रोथ बड़ी तगड़ी आई ये दोनों स्टॉक्स बहुत तगड़े मोमेंटम पे सुदीप सर इन दोनों पे कॉल देखिए बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं परफॉर्मेंस अच्छा रहा है जैसे आपने जिक्र किया है बीच में थोड़ी दिक्कतें आई थी जुबिलियंट में पर वहाँ से भी वो बाहर आ गए हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पर यहाँ पे भी हमारा शंका ये है कि वैल्यूएशन एक बहुत ही एलिवेटेड लेवल्स पे है जैसे आप कह रहे हैं शिखर पर है और इस लेवल से कितना ग्रोथ मिलेगा आने वाले दिनों में उस पर मेरा थोड़ा डाउट है और इसीलिए इस लेवल पे आ, मैं फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूं पर जिन निवेशक के पास है वो होल्ड कर सकते हैं हम लोगों को लगता है कि एक पंद्रह बीस परसेंट तक रिटर्न मिल सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बट ऐसा कोई सुपीरियर रिटर्न मार्केट बीटिंग रिटर्न शायद इन स्टॉक से मिलेगा नहीं आने वाले दिनों में बिल्कुल सही बात वैल्यूएशन एक्चुअली एक कंसर्न है जिस तरह का इन स्टॉक्स उछाल दिखाया है तो फ्रेश खरीद नहीं लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो इस को आप राइड कर सकते हैं क्योंकि तो तो में। बने हुए ऐसे ही कुछ ऐसे बेहतरीन आइडियाज हमारी रिसर्च टीम ने ढूंढे जो आपके बताएंगे किस तरह के वो माउंटेन या पीक पे खड़े हुए स्टॉक्स हैं उनमें अब रणनीति क्या हो उस पर बातचीत दोनों एक्सपर्ट्स के साथ ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास शो शिखर पर शेयर पे यानी कि वो स्टॉक्स जो अपने फ्रेश हाईस पे खड़े हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी उनमें क्या रणनीति बनाए सुदीप बंदोपाध्याय और विकास सेठी साहब मेरे साथ बने हुए और अगला स्टॉक एक और जाना माना पिक है स्टॉक है कंपनी है पिडिलाइट आप सब जानते होंगे इस फेविकॉल के मजबूत जोड़ को मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा नहीं जानता होगा और जब से सिंस सेप्शन कहना चाहिए ये अपनी इंडस्ट्री अपने स्पेस के पाइनियर रहे तो विकास जी पिडिलाइट क्या कॉल होगा देखिए आशीष बहुत ही अच्छी कंपनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जिस तरह से सरकार का फोकस है हाउसिंग पे उसकी मेजर बेनिफिशियरी देगी ये कंपनी लेकिन स्टॉक में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छा खासा उछाल आ गया है तो मुझे लगता है जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो तो बिल्कुल बने रहने चाहिए लंबी अवधि के लिए बट जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं अगर कोई कारण से गिरावट आती है तो साढ़े नौ सौ के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने की सलाह रहेगी उस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ला रहेगी उस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छे रहेंगे और मुझे लगता है एक साल में इसका हम साढ़े ग्यारह सौ से बारह सौ रुपए तक के लेवल्स देख सकते हैं ओके तो है तो होल्ड करें लेकिन फ्रेश खरीदारी लेवल्स पे नहीं गिरे साढ़े नौ सौ के लेवल्स पे आए तो वहां पर बाय इनिशिएट करें तब ये टारगेट एक साल में ग्यारह सौ पचास ये हासिल होते हुए आपको नजर आएंगे अगला स्टॉक जो सरकार की पॉलिसी जी विकास जी ने बात करी पेडलाइट को फायदा होगा उसका फायदा एक और कंपनी जिसको भरपूर हो रहा है वो है टाइटन वो अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज के शिफ्ट का जबरदस्त फायदा मैनेजमेंट की जबरदस्त कमेंट्री आती हुई और ये जो आप देख रहे हैं बार चार्ट लाइन ग्राफ जो आ रहा है दरअसल इन तमाम स्टॉक्स की अब तक की रैली को मैप करने की कोशिश है तीन सौ का भाव हजार के ऊपर अब यह स्टॉक इस समय खड़ा हुआ इस तरह की तेजी टाइटन ने डिलीवर करी है बीते दो सालों में सुदीप सर टाइटन पे कॉल क्या होगा कि देखिए बेहतरीन कंपनी है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा से और एक इंडस्ट्री के एक पाइनियर है ये इंडस्ट्री आई थिंक हज़ारों सालों से है पर टाइटान आने के बाद एक एक अलग सा नीश उन्होंने क्रिएट किया है और वो नीश कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और एक जो क्रेडिबिलिटी ये बिज़नेस में लाते हैं जो कि एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम अदर प्लेयर्स और इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जो डायमंड इंडस्ट्री में जो उथल पुथल हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा टाइटान को आने वाले दिनों में होने वाला है और इसका कारण यह है कि जो क्वालिटी का एश्योरेंस टाइटन से मिल रहा है वो शायद बाकी जगह में थोड़ा गैप उसमें दिख रहा है तो आने वाले दिनों में हम लोगों का उम्मीद है टाइटन का प्रदर्शन और भी अच्छा रहेगा पर्टिकुलरली इन द गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट और इसके कारण इनका प्रदर्शन और भी इंप्रूव होने की संभावना है ओवरऑल uh, जैसे आप कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन uh, जो के के जो इंसिस्टेंस ये सारा uh, टाइटान को बेनिफिट करता है और वी आर बुलिश ऑन टाइटान करेंट लेवल पर भी टाइटान में खरीदारी की जा सकती है ओके okay, तो टाइटन पे बुलिश अभी भी अच्छी तेजी रही है और आगे भी ये तेजी बरकरार रहेगी तो स्टॉक को भी अपने रडार पे रखें अगला एक और स्टॉक अच्छे स्टॉक्स में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो शायद बेहतरीन मौके खरीदारी करने के इंटरग्लोब एविएशन वो जो इंडिगो नाम से फ्लाइट छोड़ती है एवं इंजन के तमाम इश्यूज सामने आए थे उसके बाद देखिए क्या उस गिरावट से किस तरह से उभरा ये स्टॉक अब तक की चाल स्टॉक की पंद्रह सौ के ला पे स्टॉक इस समय काम काज कर रहा है विकास सर इस पे कॉल नहीं बिल्कुल आशीष ठीक कहा आपने अच्छे स्टॉक्स जब कोई खराब न्यूज़ के कारण गिरते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका होता है उसको खरीदने का इंटरग्लॉप पे वैसे मैं बुलिश हूं भारत में बहुत ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ है सरकार का भी जिस तरह से फोकस है पूरी इंडिया को कनेक्ट करने का छोटे एयरपोर्ट से तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रहेगी लेकिन अभी जो क्रूड में उछाल आया है तो वो एक थोड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है एविएशन स्टॉक्स को जो ए के प्राइजेस बढ़ सकते हैं तो उसको देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए अगर गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करें और फिर ये वैसे मेरी खरीदारी की कॉल है बट थोड़ा गिरावट का इंतजार करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी और यहाँ पे मेरा एक साल का टारगेट रहेगा साढ़े सोलह सौ सो रुपए गिरावट में खरीदारी करें कच्चे तेल में जो उछाल है उसके चलते शायद ये स्टॉक ठंडा पड़े और उस ठंडा जब पड़े या कमजोरी आए तो बाय की पोजिशन ले सकते हैं खरीदारी इनिशिएट करी जा सकती है एक और स्टॉक जो एक रिसेंट लिस्टिंग है जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट की मैंने बात करी थी वो है दिलीप बिल्डकॉन इंफ्रास्पेस रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी और किस तरह से ऑर्डर्स बैक करी रही ऑफलेट आपने ध्यान दिया होगा एनएचआई ने जो इस पूरे साल के ऑर्डर्स डोल आउट करें उसका एक बड़ा चंक इस अकेली कंपनी के पास जाता हुआ नजर आया है और स्टॉक की चाल देखिए दो रुपए का इश्यू प्राइस था बारह के ऊपर इस समय काम काज होता हुआ सुदीप सर इस स्टॉक पे कॉल जी हम लोग इस स्टॉक पे बुलिश हैं पिछले छः आठ महीने से ये हमारा फेवरेट स्टॉक है देखिए कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पर्टिकुलरली रोड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है इस कंपनी की खासियत ये है कि इनका जो डिलीवरी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वो बेहतरीन रहा है और इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक के साथ साथ आपका डिलीवरी भी ठीक ठाक होना चाहिए और दिलीप बिल्कॉन इस मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है बैलेंस शीट क्लीन है आ, डेट बहुत ही कम है और जितने ऑर्डर्स आजकल इनको मिल रहे हैं वो उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां से भी दिखा पाएंगे और सरकार का सारा फोकस जो कंस्ट्रक्शन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है उसका एक बहुत बड़ा फायदा कंस्ट्रक्शन कंपनी दिलीप बिल्डकॉन जैसे कंपनी को मिल रहा है तो वी आर बुलिश हम लोगों का टारगेट पंद्रह का है एक साल का नजरिया रख के इसमें निवेश करना चाहिए करंट लेवल पर भी आप भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने ब्रेक ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे बातचीत कंटिन्यू करेंगे और अगला स्टॉक है आईटी स्पेस है। वो स्पेस जगली, तगड़ी मजबूती में और उसमें भी में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस विकास जी क्या कॉल होगा इस स्टॉक पर आशीष बहुत अच्छी कंपनी है और हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में आईटी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिसके मेनली कारण यही थे कि एक तो रुपए में थोड़ी बहुत गिरावट आई है दूसरा क्रॉस करेंसी टेलमेंट्स का इनको एक फायदा हो रहा है जो आज इंफोसिस के नतीजे में भी देखने को मिल सकता है और तीसरा यूएस में जो ग्रोथ देखी जा रही है उसका भी एक मेजर बेनिफिट इन आईटी कंपनीज को मिलता है तो मेरी राय में हेक्सावेयर एक बहुत अच्छा स्टॉक है इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरा एक साल का लक्ष्य रहेगा पांच सौ रुपए का लेवल्स पे भी खरीदारी इस स्टॉक में भी करी जा सकती है और एक स्टॉक जिसको मैंने बहुत क्लोजली हम सब बहुत क्लोजली ट्रैक करा है दो सौ तीन सौ के भाव से दो सौ तीन सौ तो भूल जाइए अब ये स्टॉक साढ़े चार हजार के लेवल्स पे खड़ा हुआ है ये स्टॉक है वेंकीज इंडिया का सुदीप सर बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक का लेकिन आप इन लेवल्स पे कॉल क्या जैसे आप कह रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था आ, आ, हम लोगों का टारगेट करीब चार हजार के आसपास था थिंक वो टारगेट क्रॉस होके बहुत ऊपर स्टॉक चला गया है करंट लेवल पे हम लोग खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे और हमारी सलाह तो यही होगी कि जो निवेशक के पास है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले ये स्टॉक साढ़े तीन हजार से तीन हजार सात सौ के बीच में आए तो वहां पे फिर वापस खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे एग्जिट का ही सलाह देंगे आज का लास्ट स्टॉक और वन ऑफ दू वो है बिल्कुल आशीष एक बेहतरीन एवरग्रीन पोर्टफोलियो स्टॉक है टायर स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी नजर आ रही है खाली इतनी दिक्कत है इस स्टॉक में लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू है बट मुझे लगता है इस साल में इसमें हम जरूर कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस और स्टॉक स्प्लिट जो बाजार काफी दिनों से एक्सपेक्ट भी कर रहा है बट इन लेवल्स में मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ है निवेश किया हुआ है वो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़े से गिरावट का इंतजार करें वैसे मेरा एक साल का लक्ष्य है इस पर नब्बे हजार रुपए का आपने कह तो दिया सर बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक है लेकिन हम में से कईयों का तो पोर्टफोलियो इतना बड़ा होता है जितना इसका एक स्टॉक का भाव है चलिए ऑन दैट नोट सुदीप सर विकास सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और